नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर आते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला कटड़ा इतरे निर्माण कार्मिक संघ गडा उकोटा संघ बीदर की ओर से जिले में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उत्तर कन्नड़ा जिले में भूस्खलन के चलते 7 लोगों के मारे जाने की आशंका, एक ही परिवार के 5 सदस्य। कर्नाटक के मलनाड मैसूर क्षेत्र में बारिश जारी, बांधों में बढ़ गया है प्रवाह। डोडा आतंकी हमले पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, डीजीपी को दे डाली बीजेपी ज्वाइन करने की नसीहत। बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हमारे सैनिक, डोडा मुठभेड़ के लिए राहुल गांधी ने निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, राष्ट्रपति ने दी नियुक्ति को मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला कटड़ा इतरे निर्माण कार्मिक संघ वोकोटा संघ बीदर की ओर से जिले में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज मंगलवार 16 जुलाई को बीदर के अंबेडकर सर्कल के इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का नाम वोकोटा नाडे कार्मिकरा कड़े दिया गया है। इस अवसर पर राजकुमार कामले गौरव अध्यक्ष के अलावा इस संघ के अध्यक्ष पंडरी पुजारी, उपाध्यक्ष तुकाराम गौरे, अशोक वागे प्रधान कार्यदर्शी और अनिल गंजकर, राजकुमार मूल भारती के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पुपराज ककरवेज। बीदर के समीप स्थित सिपलगिरा और कबीरवाड़ा ग्राम के सर्वे नंबर 7 में दलित और मादिगा समाज के लोग वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं, परंतु एमएस समद नाम के व्यक्ति ने उस जमीन को अपना खेत बताकर अपने नाम कर लिया और उसके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। इसके खिलाफ स्थानीय निवासियों ने बीदर के अंबेडकर सर्किल से डीसी कार्यालय तक एक विरोध रैली निकाली। इस विरोध रैली में राजकुमार मूल भारती, अभी काले, हनुमंत चंद्रकांत, प्रकाश मित्री, नरसिंह के डोडी, घाड़प्पा, लालम्मा, चंद्रमा के अलावा अन्य शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने डीसी को एक मेमोरेंडम दिया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपराज का कवरेज। कर्नाटक के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनने और भूस्खलन होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब उत्तर कन्नड़ जिले के शुरुआत शिरूर में मंगलवार को भीषण भूस्खलन हुआ। इसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य सहित 7 लोगों के मारे जाने की आशंका है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान चलाने वाले परिवार के सदस्यों के कीचड़ और मिट्टी में दबे होने की आशंका है। शुरुआती जानकारी के आधार पर सूत्रों ने यह भी बताया है कि भूस्खलन के कारण एक गैस टैंकर पास की गंगावली नदी में जा गिरा। वही घटना के समय दुकान पर कथित तौर पर चाय पी रहे वाहन का चालक और क्लीनर लापता है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बचाव कार्य चल रहा है। कारवार के विधायक सतीश सैल ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें मिली रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन के बाद 10 से 15 लोगों के गंगावली नदी में गिर जाने की संभावना है। वहीं राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने सदन को बताया कि उन्होंने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और वह बाद में इस बारे में कुछ कहेंगे। मलनाड़ क्षेत्र में सोमवार रात और मंगलवार सुबह भारी बारिश जारी रही। हासन जिले के सकलेशपुर तालुके के कबिनगड्डे गांव में एक घर ढह गया। इसी बीच सकलेशपुर तालुके में एक झील में गिरी एक कार को लोगों की मदद से निकाला गया। हेमवती बांध में अच्छी आवक हो रही है, जो 2922 फीट के अधिकतम स्तर तक पहुंचने से सिर्फ 16 फीट दूर है। मंगलवार सुबह 6 बजे तक जल स्तर 2906.10 फीट था, जबकि बांध की अधिकतम क्षमता 37.103 टीएमसी फीट है। लाइव क्षमता 19 थी। कावेरी जल विवाद फिर से गर्मा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अंतर्राज्यीय नदी विवाद को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब इस मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि पड़ोसी राज्य को अपनी समस्याओं पर बैठक करने पर पूरा अधिकार है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि स्टालिन उन्हें पानी के भंडारण करने की अनुमति दें, यही उनके हित में होगा। वही बैठक के बाद सीएम एम के स्टालिन ने कहा, सर्वदलीय बैठक में तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने से इनकार करने के लिए कर्नाटक सरकार की कड़ी निंदा की गई है। हम CWRC से आग्रह करते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट और CWMA के आदेश के अनुसार कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने का आदेश दे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। इस आतंकी हमले को लेकर सरकार पर हमलावर होते हुए एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर खरी खरी सुनाई। ओवैसी ने कहा कि डोडा नियंत्रण रेखा यानी एलओसी से दूर है, तो कैसे आतंकी डोडा में घुस आए। ओवैसी ने आगे कहा कि 2021 के बाद से जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है। आपका नेटवर्क क्या कर रहा है, आपके इन्फॉर्मर क्या कर रहे हैं। पीएम कहते हैं कि 370 खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, यह सरकार की विफलता है। डोडा में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार पर बरसते हुए ओवैसी ने कश्मीर डीजीपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीजीपी को सरकार के प्रवक्ता की तरह बात नहीं करनी चाहिए, अगर उन्हें इतनी ही इच्छा है तो वे बीजेपी में शामिल हो जाए। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ में मेजर रैंक के एक अधिकारी समेत 4 जवानों की शहीद होने के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को बार बार हुई सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिन्होंने भी यह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि एक के बाद एक ऐसी भयावह घटनाएं बेहद दुखद है और चिंताजनक है। राहुल गांधी ने लिखा कि लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर के बिगड़े हालात को दर्शा रहे हैं। हमारे सैनिक और उनके परिवार बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा यह हर देशभक्त भारतीय की मांग है कि ये सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी ले और देश और सैनिकों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। बता दें कि डोडा में हुआ एनकाउंटर कठुआ जिले के सुदूर माचेड़ी वन क्षेत्र में पिछले ही हफ्ते हुए हमले के बाद हुआ है। सप्ताह भर पहले सेना के एक गश्ती दल पर आतंकवादी घात लगाकर बैठे थे और इसमें 5 सैनिकों की जान चली गई जबकि कई घायल हो गए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के जल्द फैसला पाने का वैधानिक अधिकार है। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की एकल पीठ ने 12 जुलाई को दिया आदेश में कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर किसी को तुरंत और स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है। उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मैजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले आरएसएस कार्यकर्ता को मामले में नए और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी थी। मैजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ ही राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था जहां से उन्हें थोड़ी राहत मिली। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 346 वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। रक्षा मंत्रालय की इस लिस्ट को सृजन पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इन 346 वस्तुओं में से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट सिस्टम
सब सिस्टम, असेंबली, सब असेंबली, स्पेयर कंपोनेंट और कच्चा माल शामिल है, जिनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वैल्यू करीब 1048 करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट को नए जज मिले हैं। राष्ट्रपति ने जजों की नियुक्ति को लेकर मंजूरी दे दी है। गुरुवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ दोनों नए जज शपथ लिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ दोनों नए जज शपथ दिलाएंगे। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। नियुक्ति के बाद जस्टिस सिंह मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इससे पहले देश के साथ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का ही चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रयागराज के प्राथमिक विद्यालय लोहरा में 4 साल के बच्चे को टीचर्स गलती से स्कूल में बंद करके चले गए, जिसके बाद वो बच्चा घंटों रोता रहा। गांव वालों का आरोप है कि स्कूल बंद होने के समय से ही पहले ही टीचर स्कूल बंद कर चले गए। बीएसए प्रवीण तिवारी ने तत्काल एक्शन ले लिया है। विकास खंड में जाने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुक्रमण में सहायक अध्यापिका जूली कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के 4 जवानों के शहीद होने पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। महबूबा मुफ्ती ने इस हमले को लेकर कहा है कि डीजीपी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 32 महीनों में लगभग 50 जवानों की जान जा चुकी है। मौजूदा डीजीपी राजनीतिक तौर पर चीजों को ठीक करने में लगे हैं। उनका काम पीडीपी को तोड़ना, लोगों और पत्रकारों को परेशान करना और लोगों को धमकाना है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि डीजीपी अधिकतम लोगों पर यूपीए लगाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। हमें यहाँ फिक्सर की जरूरत नहीं है,
हमें एक डीजीपी की जरूरत है, हमारे पास पहले भी दूसरे राज्यों के डीजीपी रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। किसी ने भी सांप्रदायिक आधार पर काम नहीं किया जैसा कि अब किया जा रहा है। जब से ये डीजीपी आए हैं तब से ज्यादा जाने जा रही हैं। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इस पर ध्यान देना चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला कटड़ा इतरे निर्माण कार्मिकरे संघ गड़ा उपकोटा संघ बीदर की ओर से जिले में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उत्तर कन्नड़ा जिले में भूस्खलन के चलते 7 लोगों के मारे जाने की आशंका, एक ही परिवार के 5 सदस्य। कर्नाटक के मलनाड़ मैसूर क्षेत्र में बारिश जारी, बांधों में बढ़ गया है प्रवाह। डोडा आतंकी हमले पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, डीजीपी को दे डाली बीजेपी ज्वाइन करने की नसीहत। बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हमारे सैनिक, डोडा मुठभेड़ के लिए राहुल गांधी ने निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, राष्ट्रपति ने दी नियुक्ति को मंजूरी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।